हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जो गुड़ के शक्कर पारे होते हैं, जो गुड़ वाले शक्कर पारे तोशे जिसको बोला जाता है मार्केट में, ये हलवाई कैसे बनाते हैं और मार्केट में कैसे ये पैकिंग होके आता है, तो ये जो रेसिपी है हम घर पर कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ईजी रेसिपी है, घर पर ईजिली तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक देखते रहिए। सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोनी के चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले जो बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुड़ के शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए जिसमें हमें मैदा चाहिए। तो मैदा मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम, और बहुत लोगों ने बोला था कि कप मेज़रमेंट में बताइए, ग्राम में भी बताइए साथ में। तो मैं आप सभी को कप का जो मेज़रमेंट है वो बताऊंगा आप सभी को। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, और एक जो चौथाई टी स्पून होती है वो टी स्पून भर के मैंने, चौथा टी स्पून वो मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाला है। और उसके बाद बीच में जगह बना लेते हैं, क्योंकि हम इसमें अमोनिया यूज़ नहीं करेंगे, घी से खस्ता करेंगे इसको। तो मैंने घी डाला है 1/4 कप, यानी कि 50 ग्राम मैंने इसमें घी डाला है। तो और उतना ही मैंने इसमें पानी डाला है। देखिए, पानी और जो घी वगैरह होता है, वो जो हलवाई होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से एक बार मेज़र करके डालते हैं, मतलब तोल के डालते हैं उसको, तो ताकि जो दोबारा है वो डालने की ज़रूरत ना पड़े उसमें। तो हम भी बिल्कुल अच्छे से तोल के मेज़रमेंट करके इसको डाल रहे हैं, ताकि आपको इसको दोबारा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम अलग से पानी डालते हैं बाद में, धीरे धीरे करके हम अगर आटा गूंथते हैं या मैदा गूंथते हैं, तो जब घी में अच्छे से वो मिक्स नहीं हो पाता पानी। तो अब हमने एक डो बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लेना है। इसमें जितना भी मैंने पानी बताया आप सभी को और जितना घी बताया, उतना डाल के आपने बिल्कुल इसको रेडी कर लेना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट डो रेडी हो जाएगा। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक लिफाफे से कवर करके, या फिर गीले कपड़े से कवर करके, आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप किसी जगह पे इसको रख दें। तब तक हम कढ़ाई रखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मैंने गैस अभी ऑन नहीं किया है, और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल इसको फ्राई करने के लिए। तो आप कोई भी जो ऑयल जो है वो आप जो घर में यूज़ करते हो आप इसमें डाल सकते हो। तो 5 मिनट पहले आप गैस ऑन कर दें लो फ्लेम पे, अगर आप इसको फ्राई करने से 5 मिनट पहले। तो अब हमारा जो 10-15 मिनट के बाद जो हमारा मैदा है वो बिल्कुल सेट हो चुका होगा, और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके हम बनाएंगे शकरपारे, गुड़ वाले शकरपारे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हमें ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप गोल पेड़ा या लोई इसको जो बोलते हैं वो बना लें बिल्कुल। और इसके ऊपर क्रैकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो क्रैकिंग रहने दें, इसको मैश करके स्मूथ ना करें बिल्कुल भी, इसको मैश नहीं करना हमें ज़्यादा। बस इसके ऊपर जो क्रैकिंग थोड़ी बहुत रहती है ना, वो रहने दें, और इसको अच्छे से बेल लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमने इसको, बहुत ज़्यादा थिक रखना है हमने, मोटा रखना है, क्योंकि इसको फुला के हमने काफ़ी बढ़िया करना है और बिल्कुल खस्ता करना है। तो इसको थिकनेस आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कैसा आप बनाना चाहते हो। तो देखिए, आप अगर मार्केट जैसा बनाना चाहते हो तो आप इतना थिकनेस रखें जितना मैंने रखा हुआ है। अब इसको कट करना है पीसेस में, लंबे लंबे पीसेस में काट सकते हो जैसे मार्केट में मिलता है, या फिर आप स्क्वायर पीसेस में काट सकते हो, या फिर आपको जो भी शेप या साइज़ पसंद हो उस टाइप से आप इसको कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो मार्केट में मिलता है उसी साइज़ में इसको कट कर रहा हूँ, और उसी तरीके से सेम टू सेम बनाऊँगा, क्योंकि मार्केट में भी मैं ही बनाता हूँ, मैं हलवाई खुद हूँ, मार्केट में भी बनाते हैं हम, और मैं आप सभी को घर पर भी सिखा रहा हूँ, और सारी जितनी भी हलवाई की रेसिपीज़ है वो मैं आप सभी को घर पर भी सिखाता हूँ। तो ये देखिए, लंबे लंबे जो पीसेस हैं इसके मैं बीच से निकाल रहा हूँ, मतलब इसके लंबे लंबे पीसेस बना रहे हैं जैसे मार्केट में मिलता है उस टाइप से, और इसी तरीके से हम मार्केट में भी बनाते हैं। तो जो साइड है वो साइड में जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसको निकाल लें, और इसको साथ में अलग से मैश करके दोबारा से इसको कट कर लें पीसेस को। ये देखिए, मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसको साइड वाले बिल्कुल अच्छे से निकाल देने ना। तो अगर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं तो वो ऑयल को ख़राब करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में हम उठा लेंगे, अब इसको हम फ्राई करेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं, और इसको हर एक पीस को अलग अलग कर लेना है, कोई भी पीस इसमें जुड़ा हुआ ना रहे, इसको वैसे तो चिपकते नहीं है आपस में ये। और इसको निकाल के हमने साइड में कर लिया, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट पहले मैंने गैस ऑन कर दिया था इसका, कढ़ाई का, ये देखिए, और लो फ्लेम पर ऑन किया था। एक पीस छोटा सा हम इसमें डाल के चेक करेंगे। देखिए, मैं इसमें छोटा सा पीस डाल के चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहा है। करीब 10 सेकंड के बाद हल्का हल्का इसमें बबल आना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें इतना ही गर्म चाहिए। अब हम डाल देंगे सारे जितने भी शकरपारे हमारे पास हैं वो सारे हम डाल देंगे, क्योंकि इसको ठंडे तेल में फ्राई करना होता है। स्टार्टिंग में डालना ठंडे तेल में होता है इसको, और बाद में इसको टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप ये ऊपर आते चले जाएंगे। ये देखिए, अब मैं कढ़ाई को इसलिए हिला रहा हूँ ताकि ये जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट
है, इनको हम टच नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से। कढ़ाई को इसलिए हिला रहा हूँ ताकि नीचे चिपके ना, क्योंकि लो फ्लेम पे मैंने गैस को ऑन कर रखा है, हाई पे ना करें। और जब तक ये ऊपर तैरते हुए आएंगे ना, तब तक हम इसको लो पे ही रखेंगे, हाई पे नहीं करेंगे बिल्कुल भी इसको, गैस के फ्लेम को। अभी देखिए, अब ये ऊपर आ चुके हैं, मतलब ये फूल के ऊपर आते हैं जब आ रहे हैं ऊपर, ये मतलब तेल के ऊपर जब तैरने लग जाता है, ये फूल के ऊपर आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जब ये बिल्कुल अच्छे से ऊपर सभी आ जाएँ तो हमें गैस के फ्लेम को हाई पे कर देना है, वो भी सिर्फ एक मिनट के लिए। एक पीस आप टच करके फिंगर से देखें कि ये कितना सॉफ्ट है, और बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट हो ना तो आप इसको टच ना करें बिल्कुल भी, मतलब अभी किसी भी चीज़ से टच नहीं करना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, बस ये टूट जाते हैं तेल में, ऑयल में जब हम उसको फ्राई करते हैं तो वो टूट जाता है। तो एक मिनट तक मैंने गैस को हाई फ्लेम पर रखा, उसके बाद मैंने वापस से लो फ्लेम पर कर दिया। अब देखिए स्किन जो थोड़ी है वो टाइट हो चुकी है, मतलब कि इसको हम टच कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, उलट पलट सकते हैं इसको हम। तो अब हम इसको बिल्कुल आराम से उठा उठा के इसको साइड में डालते जाएंगे, मतलब आप चाहे 20 से उठाओ और साइड में डालते जाओ, ताकि इसको जो हम फ्राई कर रहे हैं ये बिल्कुल इक्वल साइज़ में और इक्वल तरीके से चारों तरफ से ये पके, और बिल्कुल जो ब्राउन हो वो चारों तरफ से ऊपर नीचे अच्छे से ब्राउन हो। तो 5 मिनट के बाद जो कलर है वो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है आपने इसको, हाई फ्लेम पर नहीं करना, नहीं तो ऊपर से स्किन टाइट हो जाएगी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो करीब 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद अब ये देखिए कलर जब ऐसा हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। और निकालने से पहले इतना ध्यान रखें कि एक मिनट पहले आप गैस का जो फ्लेम है उसको हाई पे कर लें। हाई पे करने का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल सूखे सूखे से रहेंगे, ऑयली नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट आता है कि उसके अंदर ऑयल भर जाता है, और ऑयल तब नहीं भरेगा अगर आप इसको एक मिनट पहले हाई पे कर लेंगे गैस को। तेल ज़्यादा गर्म होगा तो ऑयल नहीं भरेगा, एक मिनट पहले करें। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं, अब निकाल के हम इसको साइड में रखेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, इसको चाशनी बनाएंगे इसके लिए, ताकि इसके ऊपर हम चाशनी की कोटिंग कर सकें, गुड़ की कोटिंग कर सकें, मतलब गुड़ की चाशनी बनाएंगे। हमारे जो परफेक्ट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, खस्ता बहुत है। इसी कढ़ाई को मैंने धो के अच्छे से रेडी किया है। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम चीनी और हम 50 ग्राम इसमें गुड़ डालेंगे, और उसमें हम 50 ग्राम ही पानी डालेंगे। तो अब मैं यहाँ पे गुड़ भी डाल देता हूँ। गुड़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये देखिए मैं कोई भी जो भी मेरे घर में पड़ा हुआ था मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, और 50 ग्राम मैंने लिया है। आप चाहो तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, तो चीनी की क्वांटिटी कम कर दो। चीनी कुछ लोग हैं जो हलवाई बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, 250 ग्राम 200 ग्राम से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितने किलो मैदा होता है उसका 1.5 गुना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप कम ज़्यादा चीनी करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे करीब 150 ग्राम से मैंने ज़्यादा चीनी और गुड़ को मिक्स करके लिया है, और जो हमारे पास मैदा था वो 200 ग्राम था, तो मतलब जितना हमारे पास मैदा था उससे मैंने कम ही चाशनी बनाया है। तो अब हम उबाल आने तक का वेट करेंगे। इसका जो कलर है वो गुड़, मतलब गुड़ का जो कलर है उसका एक्स्ट्रा कलर, इसमें काफ़ी कचरा होता है, मतलब गंदा होता है। तो उसको साफ़ करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें हाइड्रो पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इसका जो एक्स्ट्रा कलर है, अलग से जो कलर इसमें गुड़ में डाला हुआ है, वो साफ हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा और वाइट हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए कलर जो इसका निकल चुका है। और चाशनी जो है वो हमारी एक तार वाली बननी चाहिए, देखिए तार बन रही है ना, एक तार, ओनली एक तार बननी चाहिए बस। अब हम क्या करेंगे कि गैस बंद कर देंगे, और इसमें फूड कलर हम हल्का सा रेड कलर ऐड करेंगे। ये देखिए गुड़ के जो शक्करपारे होते हैं वो रेड होते हैं ना, तो रेड दिखाने के लिए मार्केट में भी रेड ऐड किया जाता है कलर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें हम पहले एक बार मिक्स करेंगे फूड कलर को, और उसके बाद इसमें मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा इसमें हम एक पिंच डालेंगे। इससे क्या होता है कि इसमें बहुत सारा झाग बनने लग जाएगा, बहुत सारा इसमें झाग बनेगा, और उस झाग की वजह से क्या होगा कि हमारे जो शक्कर पारे हैं वो बिल्कुल अच्छे से कोट कर पाएंगे। ये देखिए बिल्कुल झाग बन चुका है ना इसके ऊपर, और ये चाशनी गर्म रहेगी तभी बनेंगे, ना तो नहीं बनेंगे। उसके बाद हम सारे शक्कर पारे जो है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से कोट करेंगे। गैस बिल्कुल बंद। अब हमें इसको क्या करना है, ठंडा करना है। तो जितनी जल्दी ये ठंडा कर सकते हो आप, उतनी जल्दी तो इसके ऊपर अच्छे से जो चाशनी है वो बिल्कुल चिपक जाएगी, और इनके अंदर तक भी चाशनी जानी चाहिए, क्योंकि आप मार्केट से लाते हो जब खाते हो तो आपको पता होता होगा कि चाशनी जो है वो अंदर तक मीठे हैं, बिल्कुल अंदर तक चाशनी जाती है। अगर आप चाहो तो चाशनी कम या ज़्यादा कर सकते हो, घर पे अगर आप खा रहे हो तो कम मीठा भी बना सकते हो। तो उस हिसाब से देखिए, मैंने जैसे घर पे खाने के लिए मैंने चाशनी का कम यूज़ किया है, तो इसीलिए आप ये घर पे खाने के लिए आपके लिए बढ़िया है। अब मैंने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है, और 2-3 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिल्कुल सूखा हुआ लग रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों
देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और इसका जो कलर है बिल्कुल मार्केट जैसा ही आया है। तो ये 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको सूखने में, और ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं। तो उसके ऊपर जो चाशनी है वो बिल्कुल एक परत जम जाती है उसके ऊपर, वो चाशनी बिल्कुल जम के रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे, खस्ता बहुत ज़्यादा है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा कितना खस्ता है। और ये देखिए अब मैं एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों हम एक चीज़ डालना बस में भूल गए हैं, आप चाहो तो इसमें कोई एसेंस वगैरह डाल सकते हो, वो एसेंस तो मैंने डाला है, लेकिन एक मैं दूसरा चीज़ भूला हूँ जो आपको गैस करना है कि मैं क्या भूल गया। मैं यहाँ पर भूल गया, इसमें आपने देखा होगा कि सौंफ डाला जाता है, सौंफ, तो सौंफ चाशनी में ही डाला जाता है। अगर हम अब डालेंगे तो अब इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं और उसका फ्लेवर नहीं आएगा। तो अगर आपके पास सौंफ है तो आप चाशनी में डाल सकते हो। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, और उसके बाद जो हमारे गुड़ के शक्कर पारे हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट और मार्केट जैसे ही लग रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कलर बिल्कुल पैकेट में पैक होके मार्केट में इसी तरीके से आते हैं। आप हलवाई की दुकान पे देखते होगे, या फिर मार्केट में किराने की दुकान पे इस तरह से पैकिंग पड़ी होती होगी, आप वहाँ देखते होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए ज़रूर, और हाँ अगर और रेसिपी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ ऐसे ही अगर और हलवाई वाली रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।